हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा जय जिनेन। ये देखिए, आज तो बर्थडे केक है, वो भी अर्पित। अर्पित दिख रहा है ना आपको? तो आज आपके अर्पित बेटे का बर्थडे है। आज मेरा अर्पित पूरा 22 साल का हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उसका बर्थडे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, मैं ज़रूर आपको वेलकम करती हूँ। तो आप लोग भी आइए, अपने अपने तरीके से आशीर्वाद दीजिए। कैसे देना है वो आप देखिए कि आपको उसे आशीर्वाद कैसे देना है। मुझे मालूम है आप उसे बिल्कुल अपने अच्छे से, प्यारे से, दिल से बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट में भी ज़रूर देना, उसको अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं उसकी बर्थडे पार्टी। किस तरीके से हमने उसके लिए कुछ सरप्राइज सोचा था, जो हम उसके संग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपको इन्वाइट कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, वेलकम है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Arpit, happy birthday to you, happy birthday to you। ले दिया रे बाबा, क्या आ जाओ इधर आओ, इधर आओ तेरे बाबा का इधर बुक्का। वो कैसे खाएंगी? चलो मैं पिताजी को, पिताजी को खिलाऊंगा। इसको खिला दो, उसको खिला दो। ले पहले हाथ लगा, ले पहले पहले जिसका बर्थडे था वो खाते का। आ जाओ जी, आ जाओ तुम। पहले मुझे दे। चम्मच ये ली। मैं भाई लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाइए। आज अर्पित का हैप्पी बर्थडे है। थोड़ा लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए। आज अर्पित का जन्मदिन है और उसको अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं बल्कि सोच रही कि चलो कोई नहीं, पर अच्छा है, मैंने कि छोटा है केक। तूने खा लिया? अर्पित खा ले बेटा, खा लिया, खा लिया। तू खा ले दीदी, आप खा लो, खा ले सारा। ले ले अर्पित, पापा पैसे दे रहे हैं, सीधे हाथ से ले ले। केक मंगाया है तूने? कन्नी ने मंगाया अपने पैसों से? तूने ना लिया? ना लिया। नहीं मम्मी, मैदा होती है ना, ऊपर फल है मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज्योति जैन का जय जिनेन। चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है, प्लान हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं। और आज मैंने लंच में बनाया है मूंग की दाल की पकौड़ी बनाई और उसको कड़ी में ऐड करके, मतलब आज मैंने पकौड़ी मूंग की दाल की बनाई है और कड़ी राइस बनाए वैसे मैंने। और आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो दिन बोरिंग होते चलते हैं। गर्मियों में क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। गर्मियों में बाहर तो निकले ही नहीं जाता बिल्कुल भी, बस ये परेशानी होती है। फिलहाल तो पर मैं आई जाती हूँ अर्पित के ऑफिस, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी मैं बोर होती रहती हूँ और कहीं आ जा ज़्यादा कर भी नहीं सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं आपसे बात। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, लोगों को सोचते पता नहीं कैसे बात कर रही है, कैसे बात कर रही है। अब उनको क्या पता कि मैं अपने फ्रेंड्स से बातें कर रही हूँ। बता कन्नू, कड़ी कैसी बनाई है मैंने? बहुत अच्छी होनी है ना? बढ़िया। आज मूंग की दाल की पकौड़े की कड़ी बनाई, तो बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और फिलहाल मैंने नहीं खाई, लेकिन मुझे भूख लगी है इनको देख के। तो चलिए फ्रेंड्स, खा लेते हैं हम भी। लीजिए, हम्म,
पकौड़ी बहुत टेस्टी है। एक प्याज काटती हूँ, अच्छी लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, रात का डिनर बना रही हूँ। फिलहाल तोरई बना रही हूँ, तोरी की सब्जी। एसी बंद करो बेटा, करो बंद। पिटना है तो वैसे ही बोल दिया करो, मम्मी मारो मुझे, आ जाओ। चलो पंखा चला दो। अब पंखा नहीं, अब बिना पंखे के बैठ। कैसी बातें कर रही हो? चलिए बस फ्रेंड्स, उनके सेकने रह गए हैं। सब्जी मेरी वैसे बन के तैयार हो ही गई होगी। सीटी नहीं लगाई मैंने कुकर में। तोरी है तो तोरी आपको पता है जल्दी बन जाती है। आटा मैंने लगा ही लिया है, फटाफट फुलके सेकने हैं। 7 बज रहे हैं और बस ये भी खा लेते हैं 7:30 बजे तक खाना, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जल्दी खा लेते हैं सब जने। तो चलिए फ्रेंड्स, फुलके बनाते हैं। थोड़ी सी देर और तोरी को होने देती हूँ गैस पे, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि तोरी बनती बहुत अच्छी, लेकिन एक कड़वी तोरी स्वाद बिगाड़ देती है। आपको तो बताइए ना, तोरी में एक कड़वी ज़रूर निकल जाती है, पता नहीं चलता, क्योंकि हमें तो यूँ ही नहीं पता चलता। कुछ लोग तो कच्ची जब काटते, जब भी उसको चख लेते हैं, कड़वी कैसी होती है, लेकिन मुझे तो पता नहीं, मैं तो ऐसे ही काट देती हूँ उसको, तोरी वगैरह को। तो उसमें बस ज़्यादा कर क्या होता है, कड़वी हो जाती है एक तोरी, मतलब ऐसी, मतलब एक ही, मतलब एक तोरी के कड़वी होने से ही सारी सब्जी खराब हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, रात के 9:30 बज रहे हैं और फिलहाल सब जने सबने खा पी लिया है, सारा काम फिनिश हो चुका है। और ऐसा नहीं है अभी सो जाएंगे, ना सोता कोई नहीं है इतनी जल्दी। फिलहाल आजकल लेट सो रहे हैं, क्योंकि लेट उठ रहे हैं तो लेट ही सो रहे हैं ये लोग। नींद इन्हें इतनी जल्दी नहीं आती है। और आज आपने देखा मेरे बेटे का बर्थडे था अर्पित का, जो आज पूरे 22 साल का हो चुका है। ये केक वगैरह हमने उसके लिए सरप्राइज रखा था, बताया नहीं था, हमने सोचा वो जब घर आएगा जब उसे बताएंगे। देख के बहुत खुश हुआ था। अदरवाइज उसको सच्ची बताऊं तो काम से फुर्सत नहीं है उसके लिए। उसको हम फोन कर करके बार बार बुला रहे थे, बेटा आजा बेटा जी, क्योंकि ये 9 बजे के बाद अन्न ही खाते हैं। तो मेरे को ये लग रहा था कि कम से कम ये तो खा लेंगे बच्चे के साथ बैठ के केक वगैरह। मैं तो फिलहाल नहीं खा पाऊंगी, मैं कल खाऊंगी, उसने मेरे लिए रख दिया है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? और अर्पित को अपनी तरफ से जरूर कमेंट करना फ्रेंड्स। मैंने तो कर दिया आपकी तरफ से, लेकिन आप भी कर देना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बाय कहने का टाइम आ गया है, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर 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 कीजिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं क्या करूं, सरप्राइज और सब्सक्राइब में थोड़ा अंतर भूल जाती हूँ, सॉरी, लेकिन परेशान हो जाती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिसने नहीं की अभी तक, खास तौर से उनके लिए मैसेज होता है, प्लीज़ 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 जरूर कीजिए। अपने बगल वाले से, ऊपर वालों से, नीचे वालों से, सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए मेरा वीडियो, जिससे उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके और वो ज्योति जैन की वीडियो देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलूंगी अच्छे से वीडियो में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक आप सबको मेरी
बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।